हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे आज HRX के शूज़ रिसीव हुए हैं, तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे ही हैं शूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। ये HRX के शूज़ हैं और ये इसका बॉक्स है और ये इसकी MRP 5099। इस पर इसका मॉडल नंबर, इसका साइज़, इसका कलर, इसका ओरिजिन ऑफ कंट्री मैंशन है। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। ये इसकी फर्स्ट लुक है। ये HRX मैन ग्रे रनिंग शूज़ हैं। तो इस पर आपको ये इसका प्राइस टैग देखने को मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं। ये इसका सेकंड पेयर है। पहले इसका ये 360 व्यू देख लेते हैं, फिर इसके मटेरियल की बात करेंगे। तो ये इसका लोक्सोर डिज़ाइन और ये इसका बैक एरिया है। ये इसकी दूसरी साइड और ये इसका सोल। तो चलिए इसके मटेरियल की बात करते हैं। तो ओवरऑल जो आप अपर मटेरियल देख रहे हैं वो सारा वो मैश मटेरियल है। और ये फ्रंट पे आपको ये राउंड टू देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी ये ब्रीदेबल मटेरियल है, आप देख सकते हैं। तो साइड एरिया पे आपको ये सेम मटेरियल देखने को मिल जाता है। तो इस जगह आपको ये सिंथेटिक लेदर और ये सेंटर में इलास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाता है। बैक पे भी आपको ये सिंथेटिक लेदर मिल जाता है, जिसपे आपको काफ़ी अच्छी स्टिचिंग देखने को मिल जाती है। एंकल एरिया पर आपको ये एंकल सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं। तो ये टंग होल्डर पर आपको ये रबर मटेरियल देखने को मिल जाता है, इस जगह आपको सिंथेटिक लेदर मिल जाता है। तो बैक पे आपको ये सिंथेटिक लेदर मिल जाता है, बाकी आपको लूप देखने को मिल जाता है। ये इसकी दूसरी साइड है। इस साइड भी आपको ये सेम मटेरियल, सेम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इलास्टिक मटेरियल है और ये सिंथेटिक लेदर है, बाकी ओवरऑल जो मटेरियल सारा ये मैश है। तो कुछ ऐसा है लुक्स और डिज़ाइन। तो ये इसका सोल है जो कि रबर मटेरियल से बना हुआ है। नीचे आपको ये यूनिक पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है। तो ये फ्लैट सोल है, तो आउटर सोल आपको वाइट कलर में देखने को मिल जाता है। तो ये इसका टंग एरिया है, जिसपे आपको HRX की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस जगह भी आपको ये मैश मटेरियल देखने को मिल जाता है। तो चलिए अंदर से चेक करते हैं। ये इसके लेसेस हैं जो कि राउंड है। तो इनर टंग पे आपको इसका आर्टिकल नंबर, इसका कलर, इसका अलग अलग कंट्री के साइजेस देखने को मिल जाते हैं। ये इसका एंकल एरिया है, तो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी कुशनी है, आप देख सकते हैं। तो ये इसका इनसाइड व्यू है। ये इसका इनर सोल है, जिसपे आपको HRX की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी कुशनी है, आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा इसका ये लुक्स और डिज़ाइन। तो ये इसका एंकल सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। का वेट करके देखते हैं। 285 ग्राम इसका वेट है, तो काफ़ी लाइट वेट है ये शूज़। तो ओवरऑल आपने इसका ये 360 व्यू देख ही लिया है। तो अगर आपको ये शूज़ अच्छे लगे हों आप बता सकते हैं। ये इसका बैक, इसका सेकंड पेयर है, जिसपे आपको ये कुछ टैग देखने को मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा इसका लुक्स और डिज़ाइन। तो अगर आपको ये शूज़ अच्छे लगे हों, आप लेना चाहते हैं, तो मैंने ये मंत्रा से लिए थे, मुझे ये 1700 रुपीज़ में मिले हैं, तो आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी जहां से भी आपको ये कम प्राइस में मिले आप ले सकते हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी ड्यूरेबल हैं, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका साथ दे सकते हैं। तो बाकी इनके प्राइस की बात करें तो ये इनका जो MRP रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट इनका जो एक्चुअल प्राइस है वो काफ़ी कम है, तो आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो पहन के कुछ इस तरह के दिखते हैं शूज़, आप देख सकते हैं लुक वाइज कैसे लग रहे हैं। लुक वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं ये शूज़, आप देख सकते हैं फ्रंट से, साइड से और बैक से कैसे लग रहे हैं। ये जो शूज़ हैं इन्हें आप डेली यूज़ कर सकते हैं, कैजुअली और ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं, वॉकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इन्हें आप रनिंग के लिए यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप इन्हें रनिंग के लिए यूज़ करेंगे तो ये जो शूज़ हैं जल्दी डैमेज हो जाएंगे। तो ये था इसका लुक्स और डिज़ाइन। ये शूज़ वैसे ही ये शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल हैं और लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो इन्हें आप डेली यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।